क्या भैया जो गांस से जो गांजो कोने दाओ तुम्हें कोने दाओ जो गांजो 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 लेडीज तुम दूर रहो दूर रहो तुम दूर रहो जो गांजो गांजो कौन से लाओ है जो गांजो तो जो गांजो कौन से लाओ है जो बड़ो पैकेट है जो इतना बड़ो पैकेट जो गांजे को जो सरदार सिंह ने पकड़ी है सरदार सिंह ने पकड़ो है जो गांजो जो सरदार सिंह ने तो बड़ो गांजो पैकेट पकड़ो है जो लेडीज बीच में आ रही है लेडीज से हम कोई प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं लेडीज आगे आके गांजे को बचाने की वो प्रयास कर रही है भैया गांजे से आप सरासर गांजा रखा हुआ है आप दूर रहिए आपसे निवेदन है आप दूर रहिए हम जो गांजा लिया है उससे बात कर रहे हैं ठीक है आप दूर रहिए आपका पैकेट नहीं सुनना है हमको भाई ये भाई साहब है जो कि गांजा लेके आए हाँ गांजा लेके आए कौन से ले आ भैया गांजा जो तुम अरे हम नाम नहीं आना तैयार कहाँ से लाओ जो तुमने सेमराई रोड पे लाओ है सेमराई रोड पे लाओ भाई साहब ने गांजो सेमराई रोड पे लाओ है गांजो पीपरी के पास में लाओ सुनील कुटवार से गांजा का पैकेट लिया है और जे सबूत हमें का पता को मैं गांजो है पीट में गांजो है इनने जो है गांजो भाई साहब छोड़ो जे है हाथ बुलवा बुलवा और दूसरा ने क्या भाई क्या खेला है कैसे कैसे जो गांजे को पैकेट है जो सरदार सिंह ने पकड़ो है सेम रोडी में रोड पे तो जो वायरल वीडियो आपने देखे सागर जिला के मालथोन थाना क्षेत्र के इतने अवैध गांजे की सप्लाई हो रही थी और गांव वालों ने एक युवक को पकड़े और पूरे के पूरे गांजे को बरामद करे और इसके बाद पुलिस को सौंपे एक आरोपी फरार हो गया है लेकिन बड़ो सवाल जो ही है कि गांजे की बिक्री को गांव वाले तो रोक पा रहे पुलिस काय नहीं रोक पा रही क्या है कल दिनांक को हमारे थाने से एएसआई सर्वर खान स्टाफ के साथ इलाका भ्रमण में गए थे उनको मुखबर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि शैमरा लोधी सुमी चढ़ा के घर से एक व्यक्ति गांजा लेकर के और रोड तरफ आ रहा है तो सूचना पर जो है ये लोग पहुँचे वहाँ को तलब करके और शैमरा लोधी और लोगर के नड़े पर पीपड़ी के पास में एक व्यक्ति को इन्हें पकड़ा ये सुलिया के व्यक्ति की इनको मतलब सूचना मिली थी और पकड़ा तो उसके कब्जे से 1 किलो 400 ग्राम गांजा इनको मिला उसको जो है वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना कर उसकी मौके पर रखा पड़ी कर गई और उसके बताए अनुसार सुनील चिराड़ के घर पर जाकर तलाशी ली तो सुनील चिराड़ तो भाग गया उसके घर पर भी 6 किलो और 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ जी उसकी भी जब्ती करके और पुलिस ने 8/20 NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की आरोपी कितनी आरोपी इसमें दो हैं आरोपी का नाम नवेंद्र दांगी है ये जो है गिरोन गांव का रहने वाला इसके पास से जो है 1 किलो 400 ग्राम गांजा मिला इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है सुनील चिराड़ के घर से 6 किलो 600 ग्राम जो गांजा मिला है वो भाग गया है फरार हो गया है मतलब सुनील में सर ज़्यादा था मात्रा ज़्यादा थी नहीं जो है तो पुलिस ने जब्ती की है सर क्या कारण है कि लगातार पुलिस आरोप इन पर अवैध चाहे गांजे हो चाहे शराब हो सर कार्रवाई नहीं कर पा रही है लोगों को पकड़ के कार्रवाई करना पड़ रही है या पकड़ के पुलिस को सुपुर्द करना पड़ रहा है नहीं ये जो कार्रवाई की है पुलिस ने ही की है पुलिस के द्वारा ही कार्रवाई की गई नहीं सर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि स्थानीय लोगों द्वारा पकड़ा गया है वो गलत दिख रहा है जी उसके द्वारा ही कार्रवाई की गई